गुड। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम गरम चश्मे के जी। अब ये देख सकते हैं खोरकोंडो वैली, सुनो ये यहाँ के छोटे छोटे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपके लिए एक और खूबसूरत वीडियोस लेकर आए हैं और आज हम जा रहे हैं एक न्यू प्लेसेस पे। तकरीबन हमारे गांव से 4 से 5 घंटे का सफ़र है, तो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा भी होने वाले हैं और बहुत खूबसूरत भी होने वाले हैं। बहुत खूबसूरत एक जगह है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी मैं यहाँ पर दोस्त को वेट कर रहा हूँ, जैसे ही दोस्त आते हैं यहाँ से हम निकलने वाले हैं। ये पानी आप चेक करें, ये पानी हमारे ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल कर आते हैं और यहाँ से ये पानी जाकर दरिया शोक में जाते हैं। इस वक्त गांव में सुबह सुबह के टाइम है, तकरीबन 6 बज चुके हैं और मौसम बहुत गहरा हो चुका है। आप चेक करें, गांव की ख़ास बात ये कि इस तरह के रास्ते के साथ साथ आपको ये वाटर चैनल भी देखने को मिलेंगे। इस वक्त गांव में सीज़न की पहली फसल की जो कटाई है वो जारी है। सो ये सारे जो की फसलें और अभी इसको सुखाने के लिए सड़क के साइटों पर रखे हुए हैं, जब ये सूख जाते हैं फिर इसको ले जाकर थ्रेशर में डालते हैं। क्या बात है यार, इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे वाटरफॉल भी, बहुत से वाटरफॉल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, हम दुमसुम से तकरीबन 20 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे यहाँ पर एक पॉइंट पर, वेलकम टू करगिल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो ठीक है? घर नहीं है फोर को नोए ना, शाम को है, शाम टाइम लगेगी, 2 घंटा हुआ है। अच्छा थारी थारी घंटा। अच्छा रोड पर पके था लकड़ी से बनाया है।
वक्त मैं पहुंचा हूं कुंदुस में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टावर से। अभी हमारे जो डिस्टिनेशन है हम जाना है खुरकुंडवली में, इंशाल्लाह वहां पर भी हम आपको लेके चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या सीन देखने को मिलते हैं। सो हमारे साथ रहे नाश्ते। एक खूबसूरत सा नाला, ये पानी ऊपर ग्लेशियर पिघल कर आ रहे हैं और हमारे साथ ये जबली भाई यहाँ फोटोग्राफी करें। और यहाँ पे बारिश जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है। ये जान बाहर क्यों है चीन नो वाला आप तो यार अब तो यार टूटे बाहर क्यों टूटे बाहर क्यों यार बाहर चूँ सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं खुरकुंडो गांव में। ये पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव है और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत खूबसूरत पीक्स आपको नज़र आ रहे हैं और इस गांव में एक गर्म चश्मा भी है। अभी हम उसकी तरफ जाने वाले हैं और भी हम इस गांव को इंशाल्लाह थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलते हैं। सो हमारे साथ रहें। सो गाइस अभी आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर का खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत पीक्स आप देख सकते हैं, ये गांव का खूबसूरत मंजर है। अभी जो गांव घर वगैरह है यहाँ के खुरकुंडो के वो पीछे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल पे, हमारे सारे बॉयज पीछे से आ रहे हैं और काफ़ी ठंड इलाका है ये, तकरीबन यहाँ पे शायद टेम्परेचर माइनस में हो क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सर्दियों की जो फीलिंग है वो आ रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस आज का हमारे जो ट्रिप है इसमें हमें खुरकुंडवली को हमारे साथ गाइड कर रहे हैं, क्या नाम है? आसिफ अली। आसिफ अली आपका? लियाकत अली। लियाकत अली गुड। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम गर्म चश्मे के। सो गाइस ये आसिफ भाई और लियाकत अली। अभी हमारे दो प्यारे छोटे भाई आगे से जा रहे हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं गर्म चश्मे पे। अभी इंशाल्लाह हम 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं गर्म चश्मे पे और आप लोगों के साथ भी हम दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गर्म चश्मे पर और हमारे टूर गाइड है सामने हैं और यहाँ आप ये चेक करें, उन्होंने पाइप लगाकर यहाँ पर सिस्टम बनाया है ऊपर से पानी आने के लिए, बाकी सारे इस पहाड़ से निकल रहे हैं सारा जो गर्म चश्मा है। और अगर हम यहाँ पर अंडा अगर इसमें हम डालेंगे तो इजीली ये हमें उबाल के देगा और क्योंकि यहाँ पर गर्म जो है ना गर्मी का इतने ज़्यादा है। और बाकी हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या बात है इस हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते इतनी गर्मी है। अभी ये आप चेक करें उबलता हुआ पानी, सुभान अल्लाह ये है कुदरत, ये है कुदरत की शान, सुभान अल्लाह। तो गाइस ये है गर्म चश्मा, पानी उबल के आ रहा है। सो गाइज अभी हमने हॉर्स स्प्रिंग आपको दिखाए, अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? ग्लेशियर। अभी हमारे दो छोटे भाई हमें लेके जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ और हम दिखाते हैं आपको भी, हमारे साथ रहें। इस टाइम हम जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर
इस ग्लेशियर के दामन में हम मौजूद थे। सो गाइस, अभी हमने आपको ग्लेशियर दिखाया था, इसके बाद हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ, हम यहाँ खुरकुंडो वैली के गांव में आपको लेके जाएंगे, थोड़ा गांव को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ की गलियाँ हैं छोटी छोटी, बहुत सी खूबसूरत। इसके लिए हम जा रहे हैं हमारे दो छोटे गाइड के साथ। सो देखते हैं क्या चीज़ हमें देने को मिलते हैं। और आप लोग भी यहाँ पर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। और इसकी 5-6 यहाँ की खसूसियात यहाँ पर, एक तो ये ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पीक से, और पीछे हमने जो आपको ग्लेशियर देखा था वो है, और एक हॉर्स ट्री भी है वो हमने आपको दिखाया था। और यहाँ की जो लोग हैं, लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। हमें सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे इन्होंने हमें यहाँ रेस्ट हाउस में नाश्ता भी लाया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बाकी ग्रीनरी भी बहुत ही खूबसूरत है, और आगे जा कर देखते हैं क्या चीज़ है। सो हमारे साथ रहें। ये सर यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी हमें लेके जा रहे हैं गांव में। सो आ जाओ ले। सो गाइस, ये है खुरकुंडो वैली, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, और साथ में यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, अभी हम वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे। और ये आप चेक करें ग्रीनरी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं खुरकुंडो गांव के अंदर, और अभी हम आपको दिखाते हैं यहां की गलियां। यहां पर एक टोयोटा रखा हुआ है जो यहां से खपुल की तरफ जाती है। और इनमें क्या चीज़ रखते हैं? इनमें गाय बकरी रखते हैं। अच्छा, इनके अंदर गाय बकरी रखते हैं। और अभी हम आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड भी जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे ये बेर बकरियां रखते हैं, इसी में रखते हैं यहाँ पे जी। अच्छा। गाय रखते हैं यहाँ। ये आगे चले, हम आपको दिखाएंगे। चलो गाय बकरी हम रखते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो करें यहाँ पर। तो हमने आप लोगों को दिखा दिया, आप यहाँ के जो लोग जिस जिन किस्म के घरों में रहते हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के लोग किस तरह के घरों में रहते हैं। बहुत ही कच्चे मकानात हैं, लेकिन यहाँ के जो, मुझे तो इस तरह के जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी पुराना। So guys, इस वक्त मैं एक ऐसे जगह पे पहुंचा, ये जो आप पीछे मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये नए बना रहे हैं। यहाँ के जो पुराने तरीके हैं, पुराने तर्ज तामीर के हिसाब से ये बना रहे हैं। और अभी हम अंदर जाके देखते हैं ये किस तरह से ये घर बना रहे हैं। चले मेरे साथ आ जाए गाइस। ये उन्होंने छोटा सा गली रखा है यहाँ से अंदर, और ये यहाँ से घर बना रहे हैं। बहुत ही पुराने तर्ज व तामीर तरीके से ये बना रहे हैं घर, ये आप देख सकते हैं। तो बस और आ जाओ यहाँ पर, हम देखते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये सारा दीवार जो है लकड़ी के साथ बना रहे हैं, बहुत ही यूनिक टाइप का है। ये हमारे लिटिल टूर गाइड
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल वाटरफॉल के सामने, ये हमारे ये छोटे छोटे दोस्तों के साथ, और ये आप चेक करें वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप यहाँ पे मुकम्मल हुए, और अभी ये सारे बच्चे हमारे हमारे गाइड थे, और अभी हम इनको अलविदा कह रहे हैं। चलो या हुआ नमस्कार। Oh, best!